हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टैंडर्ड 6। टुडे आवर फर्स्ट चैप्टर इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हमारा पहला चैप्टर है आहार, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो हमको कहाँ से मिलता है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फूड वैरायटी। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट टॉपिक फूड वैरायटी। In activity 1, ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. पूरे दिन दरमियान आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया वो आपको identify करना है। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रहते फ्रेंड्स से भी आपको ये डिटेल पूछनी है। लिस्ट ऑल ऑफ द आइटम इन योर नोटबुक्स एंड गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। ये पूरा लिस्ट अपने फ्रेंड्स का आपको बनाना है, जितने पॉसिबल हो उतने फ्रेंड्स का। टेबल 1.1, व्हाट डू वी ईट, हमने क्या खाना खाया उसका पूरा हमको लिस्ट बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड नेम ऑफ द स्टूडेंट या तो नेम ऑफ द फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड्स का नेम, जितने 5, 10, 15 फ्रेंड्स का नाम लिखना है। एंड राइट साइड राइट फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, उन्होंने दिन दरमियान जितनी आइटम्स फूड की खाई वो लिखना है। देयर सीम्स टू बी अ सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। There seems to be a much variety in the food that we eat. What are these food items made up? आपने जो टेबल में जितनी आइटम देखी होगी उसमें so much variety in the food. आहार के बहुत सारी आइटम होती है। What are these food items made up? ये आइटम्स किससे बनती है? So we are learning in this chapter. Think about rice cooked at home. जैसे कि आप घर पे चावल बनाते हो। वी टेक रो राइस एंड बॉइल इट इन वाटर। वी टेक रो राइस, उसके लिए हम कच्चे चावल, एंड बॉइल इट इन वाटर, उसको पानी में उबालते हैं। इन दिस प्रोसेस वी यूज द टू मटेरियल्स विच रो राइस एंड वाटर। सो दिस टू मटेरियल्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। सो इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो चावल पकाने के लिए हमको इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ेंगे, लाइक रो राइस एंड वाटर। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह से देखें तो सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, मतलब वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत तरह के वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज यूज करनी पड़ती है। सो दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इन दिस वेजिटेबल करी वी यूज इंग्रेडिएंट्स लाइक वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड एटसेट्रा। नाउ एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 में आपने जो अपने फ्रेंड्स का लिस्ट जो बनाया था, फूड आइटम का लिस्ट बनाया था, वो यूज़ करना है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों को, आपके एल्डर्स जो बड़े लोग हैं घर में, उनको पूछ के आपको 1.2 क्लियर कंप्लीट करना है। लाइक इफ यू ईट रोटी एंड चपाटी, रोटी एंड चपाटी नीडेड टू टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, आटा एंड वाटर, एंड समटाइम्स वी यूज ऑयल इन ऑल्सो। देन दाल, फॉर मेकिंग अ दाल वी यूज इज पल्सिस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसिस। तो दे ऑल आर इंग्रेडिएंट्स फॉर दाल। So what do we find some ingredients common for different food items?
हमने ये देखा कि अलग अलग आइटम में, अलग अलग फूड आइटम में भी कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं. डिस्कस एट होम, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो है लाइक पल्सिस, वाटर, सॉल्ट, घी, स्पाइसिस, कहाँ से आते हैं वो हमको डिस्कस करना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.